हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सिटीज़ एंड रिवर्स इन इंडिया। तो हम उन सिटीज़ की बात करेंगे जिनसे होके कोई रिवर पास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर है ना, ये हमारे देश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। गंगा रिवर ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी उत्तराखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये मर्ज हो जाती है ना। तो जो मेन सिटीज हैं जिनसे होकर ये निकलती है वो है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ठीक है, तो ये जो 5 सिटीज हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कानपुर किस रिवर के बैंक पर स्थित है या सिचुएटेड है, तो आप बोल सकते हो गंगा रिवर है ना। तो ये 5 शहर के नाम आपको पता होना चाहिए, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यमुना रिवर, ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी रिवर है ना। ट्राइब्यूटरी रिवर कौन सी होती हैं? ये ट्राइब्यूटरी रिवर वो होती हैं जो किसी ओशियन या सी में ना जाके किसी रिवर के साथ मर्ज हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरी रिवर्स। तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर है ना, और ये उत्तराखंड में से निकल के ये इलाहाबाद पर जाके गंगा में मर्ज हो जाती है। तो जो मेन सिटीज है वो है न्यू दिल्ली और आगरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने ये मैप दे रखा है इंडिया का रिवर्स के साथ। तो मैंने ये क्यों दे रखा है, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी रिवर किस स्टेट में है मेनली, है ना, किस स्टेट से होके ये गुजर रही है या पास हो रही है। जब भी किसी सिटी का नाम आएगा तो आप उस सिटी से उसकी लोकेशन के हिसाब से आप रिवर को गैस कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। सिटी की लोकेशन के हिसाब से आप गैस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई सिटी पूछी जा रही है आपकी गुजरात में, ऑप्शन में अगर गोमती, गंगा, यमुना है तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के में बहती हैं ये रिवर्स, है ना। ये आपकी गुजरात से होकर गुजरती नहीं है। तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हो। देखो सबसे ऊपर झेलम है ना, फिर सतलज, फिर गंगा, यमुना, इधर हो गई गोमती हो गई। जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो नॉर्थ ईस्ट में जाके है, देखो यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, ये आपको दिख रहा होगा। महानदी आपकी चिल्का महानदी, ये उड़ीसा साइड में है ना। हुगली जो है वो वेस्ट बंगाल में है। गोदावरी, कृष्णा, ये सब इधर आ गए। और तापी, नर्मदा है ना, मैनली मध्य प्रदेश में है नर्मदा। कावेरी, तुंगभद्रा, तो इनकी लोकेशन पेरियार। अगर इनको आप इनकी अगर आपके दिमाग में एक हल्की सी लोकेशन है तो उससे आप गैस कर सकते हो। जैसे सपोज अगर केरला का कोई सिटी पूछा जाए आपसे, केरला का कोई सिटी, तो आपको पता है कि यहाँ पर पेरियार नदी नदी चलती है यहाँ पे ना, तो उससे आप गैस कर सकते हो। तो ये मैप मैंने इसलिए आपको दिया जिससे आप अच्छे से गैस कर पाओ। ठीक है, इस मैप को आप एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो गोमती रिवर है वो लखनऊ से होके गुजरती है। ठीक है, GL, इसको आप याद कर सकते हो LG या GL से। LG कंपनी है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है LG, ये आपकी ट्रिक हो गई। LG। सरयू रिवर जो है वो अयोध्या से निकलती है। ठीक है, सरयू। तवी रिवर जो है वो जम्मू से निकलती है। आपको पता है एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी, है ना, जम्मू तवी करके नाम से एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी, तो उससे आप गैस कर सकते हो। ठीक है, झेलम रिवर, ये श्रीनगर से चलती है। तो झेलम है, झेलम एक्सप्रेस एक ट्रेन भी है झेलम एक्सप्रेस के नाम से, ये आपको श्रीनगर ले जाती है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो झेलम। सतलज जो रिवर है वो लुधियाना से होके निकलती है, पंजाब, लुधियाना पंजाब है ना, ये पंजाब में है। सतलज लुधियाना से निकलती है। नर्मदा रिवर जो है वो जबलपुर से निकलती है। जबलपुर कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सब आप याद कर लें। मूसी रिवर है वो हैदराबाद से निकलती है। ठीक है, ये आप याद कर लें। कृष्णा रिवर जो है वो विजयवाड़ा से निकलती है। विजयवाड़ा जो है वो कर्नाटका में है, कर्नाटका
तो ये सब आप याद कर लें। हुगली रिवर जो है वो कोलकाता से निकलती है, हुगली, ठीक है। साबरमती रिवर वो अहमदाबाद से निकलती है, अहमदाबाद से, ठीक है। ताप्ती रिवर जो है वो सूरत से निकलती है, ताप्ती सूरत, है ना, तो ये आप याद कर लें। महानदी जो है वो कटक से निकलती है, कटक कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और जैसे कि मैंने आपको मैप दिखाया था, महानदी जी थी जो रिवर थी वो उड़ीसा से होकर निकलती है, तो वहाँ से आप गैस भी कर सकते हो पेपर में। शिप्रा जो रिवर है वो उज्जैन में है, ठीक है। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये शिप्रा रिवर। कावेरी रिवर जो है वो त्रिचुरपल्ली में से होकर निकलती है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु त्रिचुरपल्ली, ठीक है, कावेरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है वो नासिक से होकर निकलती है, ठीक है, ये आप याद कर लें। इसको आप गुड नाइट से याद कर सकते हो, गुड नाइट, है ना, गुड नाइट, जी एन, गुड नाइट, जी एन जी एन जी एन, गुड नाइट। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो और इसको याद कर सकते हो, गुड नाइट से गोदावरी नासिक। तुंगभद्रा रिवर जो है वो हम्पी से निकलती है, ये कर्नाटका में है, हम्पी, ठीक है, इसको भी आप एच टी से याद कर सकते हो, हाई टाइम, हाई टाइम, इट्स अ हाई टाइम, बोलते ना, इट्स अ हाई टाइम, तो इसको आप एच टी से याद कर सकते हो, एच टी एच टी एच टी। चंबल रिवर है वो कोटा से होकर निकलती है, कोटा राजस्थान, ठीक है, तो ये आप याद कर लें। ब्रह्मपुत्र रिवर है वो गुवाहाटी से होकर निकलती है, देखो नॉर्थ ईस्ट में होता है गुवाहाटी, तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही है मेन रिवर, तो इससे आप गैस भी कर सकते हो, है ना, इसको आप याद कर लें। बीजी, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, है ना, बीजी बीजी बीजी, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी रिवर्स बताई हैं, सिटीज बताई हैं, ये क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इन पर क्वेश्चंस वही मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, और इनको आप अच्छे से एक दो बार देख लें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड विजिट अस एट gkmojo.com। चलिए, बाय।